जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर सीट पर ही मतदान किया जा रहा है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर वहीं बता रहे कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर सीट पर ही पहले चरण में मतदान किया जा रहा है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में बता दें कि कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा में वोटिंग जारी है। इसी के साथ ही बीजापुर और कोंटा में भी मतदान जारी है। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और बारी बारी से अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट कर रहे हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जहां बीजापुर और कोंटा की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यहां पर मतदान होगा, और बस्तर और साथ ही जगदलपुर क्षेत्र में मतदान जारी है। दोनों क्षेत्र में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र के पर्व का जो ये पर्व है वो शुरू हो चुका है, लोकतंत्र के पर्व का आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुसदकर सर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, आपसे जानना चाहेंगे सर, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग जारी है, जैसा कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो पर्व है उसका आज से आगाज हो चुका है, सिर्फ बस्तर सीट पर मतदान किया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का जो है पर्व, इसको जो है बस्तर एकमात्र जो है यहाँ छत्तीसगढ़ की सीट है, बस्तर यहाँ पे खड़ा हो रहा है। ये जो है आदिवासी महुल एरिया है, और ऐसा कहा जाता था पहले कि बस्तर जो है एकदम काफी पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर सुबह से लंबी लंबी कतारें जो लग रही है पोलिंग बूथ पर, वो बता रही है कि आदिवासी भी जो है अब सजग है अपने अधिकार के लिए, और वनवासी खुलकर जो है वोट डालता। पिछली बार भी यहाँ 66% जो है वोट पड़े थे, और इस बार भी ऐसा लगता है कि ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा। सरकार ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं, और लोग निकल रहे हैं, सुबह से लंबी लंबी कतारें हैं 7 बजे से। लेकिन यहाँ पर एक लोकसभा सीट पर दो अलग अलग टाइमिंग है मतदान के। कुछ मतदान केंद्रों में 7 बजे से 3 बजे तक होना है, कुछ में 5 बजे तक होना है। तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बहुत, यहाँ पर जो है 2-3 दिन पहले ही सरकार ने जो है, पुलिस ने जो है नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी चलाया था। नक्सली यहाँ पर जो है प्रभावित करते हैं इस इलाके को। विधानसभा चुनाव में बीजापुर और सुकमा कोंटा, तीन जो विधानसभा क्षेत्र है, तीनों विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों ने चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान अपनी हरकत की थी और मतदान को प्रभावित किया था, और कुछ इलाके में मतदान कम भी हुआ था। लेकिन इस बार जो है प्रशासन पूरा चाक चौबंद है, पूरी व्यवस्था है, लोग निकल रहे हैं और उत्सव का आनंद ले रहे हैं। जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बस्तर सीट पर बीजेपी से महेश कश्यप मैदान में हैं और उनके सामने कवासी लखमा हैं, आपके अनुमान के मुताबिक क्या कहा जा सकता है सर, दोनों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखी जा रही है, किसके बीच जीत हो सकती है दोनों में से, सर क्या कह सकते हैं इस पे? देखिए, जीत के लिए तो अभी कुछ कहा जाना जो है अभी एकदम से जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि इस सीट को हटाने के लिए, कब्जा करने के लिए, इसको जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। इस बार जो है उनके स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर प्रवास कर चुके हैं, और अमित शाह ने भी जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में घोषणा की है कि बस्तर को या पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त कर देंगे अगर हमको तीसरी बार इस बार भी जो है मोदी की सरकार को रिपीट करते हैं। तो देखिए, ये जो बस्तर सीट है, ये तमाम कोशिशों के बावजूद पिछली बार भी जो है कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के दीपक वैद यहाँ से जीते थे, और वो बाद में प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, तो उनकी उसके बाद विधानसभा में वो हार भी गए, तो उनकी टिकट कटी है। उनकी जगह कवासी लखमा को टिकट दी गई है, कि
जो अभी तक एक भी चुनाव विधानसभा का नहीं आ रही, वो लोकसभा के लिए पहली बार जो है उम्मीदवार हो रहे हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन लोगों के बीच में बहुत बहुत ही ज्यादा वो अपनी उनका कनेक्ट है, पब्लिक कनेक्ट है, लोकप्रिय हैं। तो कांग्रेस ने जो है बहुत सोच समझ कर जो इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदला है और पिछली सरकार में जो आबकारी मंत्री थे वासी लखमा उनको उतारा है। महेश कश्यप उनकी तुलना में थोड़ा सा नए प्रत्याशी जरूर है, लेकिन भाजपा की जो मशीनरी है, भाजपा का जो संगठन है, वो पूरा का पूरा वहां पर उतरा हुआ है। पूरी सरकार जो है पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि ये ही एक सीट ऐसा है जो ऐसा लगता है कि भाजपा के हाथ से फिसल सकती है। 10 में 11 में से 10 सीटों पर तो भाजपा को जीत आसान लग रही है, लेकिन इसी एक सीट पर जो है ऐसा लगता है कि पेच फंसा हुआ है, कश्मकश है। और भाजपा क्लीन स्वीप करने के लिए छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट एक बार हासिल कर चुकी है, लेकिन इस बार फिर से कोशिश कर रही है कि वो उस पर कब्जा कर सके। जी सर, क्या लगता है कि जो युवा वोटर्स हैं वो किस तरह से अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, आज किस तरह का उत्साह सर उनमें देखा जा रहा है? नहीं देखिए, उत्साह तो यहाँ बहुत है। देखिए आप विधानसभा में भी जो है तमाम जो नक्सली वारदात और हरकतों के बावजूद इतना प्रभावित करने की कोशिश की, उसके बाद भी जो है वहाँ 70-75% मतदान अगर विधानसभा में होता है, और फिर आप कहते हैं कि वनांचल है, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा देश है, पिछड़ा प्रदेश है, तो आप ऐसी स्थिति में अगर 70-75% अगर मतदान वहाँ होता है तो ये बताता है कि वो पिछड़े नहीं है, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। और अब वो म्यूजियम में रखने वाले जो आदिवासियों का जमाना होता था, जब कहा जाता था बस्तर में लोग कपड़े नहीं पहनते और जंगल से बाहर नहीं निकलते, शिकार करते हैं, वो जो वनवासी जीवन ही जीते हैं, तो वो जमाना बदल चुका है, बदलाव का दौर है। और जो वहां की युवा पीढ़ी है वो भी बहुत जागरूक है और खुलकर मतदान में हिस्सा ले रही है, और ऐसा लगता है कि इस बार जो है मतदान पिछली बार के मतदान का जो है आंकड़ा पार कर लेगा और रिकॉर्ड मतदान होगा। इस मामले में जो है निर्वाचन आयोग ने भी कोशिश की है और प्रशासन भी अभी बहुत चुस्त दुरुस्त, पुलिस ने भी पूरी तैनाती कर रखी है। देखिए 192 जो है बूथ, 192 बूथ जो है वो संवेदनशील है और 72 बूथ अति संवेदनशील है। तो ऐसी स्थिति में वहां चुनाव कराना भी बड़ी चुनौती थी, इसलिए प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट को चुना गया और वो वही एक सीट जो है बस्तर एक समय में जो है जो अविभाजित बस्तर था, अविभाजित जिला जो बस्तर कहलाता था, वो केरल प्रदेश से बड़ा कहलाता था। एक प्रदेश से बड़ा जिला कौन है सामान्य ज्ञान प्रश्न होता था, तो वो बस्तर पर था, बस्तर जिला जो अविभाजित, अब तो उसके बहुत टुकड़े कर दिए, बहुत जिले बन गए हैं, लेकिन अविभाजित बस्तर जो है वो एकमात्र ऐसा जिला था पूरे देश में जो केरल से बड़ा था। तो इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, 14 लाख से ज्यादा मतदाता, 14,70,000 मतदाता है इस लोकसभा, तो वो वहां पर तो उत्सव तो है ही और जो है उत्साह भी दिख रहा है। और लोगों की जिस तरह से मतदान केंद्र में जो भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है, कतारें लग रही है, वो बताती है कि इस बार जो है मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुसदकर सर जुड़े थे, जिन्होंने इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट दी और बताया कि किस तरह से जो बस्तर जिला है वो किससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस पर निर्वाचन आयोग ने किस तरह से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करवाए हैं, कई तरह के निर्देश दिए हैं कि आसानी से वहां जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करते हुए वोटिंग कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।